माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के अंदर एक और हमारे पास बहुत मुफीद और उम्दा टूल है जिसको हम स्पेल चेक बोलते हैं। स्पेल चेक आपके ग्रामर और स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स हैं प्रेजेंटेशन के अंदर वो चेक करके करेक्ट करता है और सजेशंस देता है आपको। उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप रिबन में रिव्यू पर क्लिक कीजिए और स्पेलिंग पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुला हुआ आ जाएगा। उसके अंदर लिखा होगा कि डिक्शनरी के अंदर क्या-क्या वर्ड्स मौजूद हैं। आपके पास ऑप्शन होगी इग्नोर, इग्नोर ऑल, ऐड, सजेस्ट, चेंज, क्लोज। मिसाल के तौर पर ये किसी का नाम है और ये डिक्शनरी में नहीं करता एग्जिस्ट, तो आप या ऐड कर सकते हैं इस नाम को या इग्नोर कर सकते हैं कि अगर ये अवेलेबल है पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसको इग्नोर ऑल कर सकते हैं आप, या सजेस्ट कर सकते हैं कोई दूसरी स्पेलिंग। तो आप ऐड कर दें तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको चेंज करना चाहते हैं, ऑटो करेक्ट करना चाहते हैं, या चेंज ऑल करना चाहते हैं, या इग्नोर ऑल करना चाहते हैं, तो आप इग्नोर ऑल कर देंगे। उसके बाद जब आप ख़त्म कर लेंगे स्पेलिंग चेक को तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बताएगा आपको द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट। उसके बाद आप ओके दबाएं। इसका मतलब यह है कि आपकी प्रेजेंटेशन का सारा स्पेलिंग जो है वो चेक हो गया है। और तो ये था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के अंदर स्पेलिंग चेक का तरीका।